नमस्कार, स्टेट बस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सा। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। नगर निगम और नगर पंचायत के चुनाव के बिगुल बजते ही कटिहार के फिजाओं में पूरी तरह से चुनावी रंग घुलने लगा है। लोग शहर के सरकार चुनने के लिए हर एक दाव पेच को नजदीक से समझने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इन सब के बीच प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए नॉमिनेशन के लिए शुभ मुहूर्त और तारीख निकलवाने के लिए पंडित एवं ज्योतिष आचार्य से विशेष परामर्श ले रहे हैं। विशेष बात यह है कि भादो महीना के साथ साथ इस बार पृथ्वी पक्ष का भी योग है, इसलिए नॉमिनेशन का मुहूर्त प्रत्याशियों के लिए बेहद मायने रखता है। इसलिए कटिहार में प्रत्याशी और उनके समर्थक नॉमिनेशन के सही समय और तारीख निर्धारण के लिए ज्योतिष आचार्य का सहारा ले रहे हैं। मजेदार बात यह है कि कुछ जगह तो एक ही पद में चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी और उनके समर्थक ज्योतिष आचार्य के पास एक ही समय पहुंचकर जीत के लिए नॉमिनेशन की शुभ मुहूर्त निकलवा रहे हैं। ऐसे में नॉमिनेशन के लिए क्या है शुभ मुहूर्त पर ज्योतिष आचार्य और चुनाव में नामांकन करवाने की तैयारी कर रहे प्रत्याशियों से बातचीत पर एक विशेष रिपोर्ट। जी, हम लोग आए हुए हैं शास्त्री जी के पास नॉमिनेशन का डेट के लिए, उससे रिलेटेड कुछ मुहूर्त शुभ मुहूर्त जो होता है उसके लिए हम लोग आए हुए हैं, और जो दिशा निर्देश मिलेगा शास्त्री जी की तरफ से उसी डेट पे हम लोग नॉमिनेशन करेंगे, क्योंकि शुभ मुहूर्त बहुत मायने रखता है चुनाव में। क्या नाम? प्रिंस सिंह नाम है। आचार्य जी के पास तो आने का सबसे पहली बात, एक तो हमारे अपने लोग हैं और पुराने लोग हैं, जानकार लोग हैं, इस कारण से आए हुए हैं कि कुछ अच्छा ज्ञान मिल जाए, अच्छी जानकारी मिल जाए, और थोड़ा बहुत अपना होता है कि घरेलू रिश्ता भी है तो परिवार से भी मिलन जुलन हो जाएगी, और शास्त्री जी का हम लोग के पर आशीर्वाद भी बना रहेगा, और नॉमिनेशन का भी डेट के बारे में जानकारी हो जाएगी, बस यही मेन कारण है। राम कहानी शास्त्री जी हमारे पारिवारिक हैं और बड़े भाई हैं हमारे, क्योंकि चुनाव लड़ना है तो नामांकन से पहले कि हम लोग सनातनी सभ्यता को मानने वाले लोग हैं, तो किसी भी मांगलिक काम से पहले या शुभ अवसर से पहले तो एक तिथि और पत्र दिखाने का हमारे यहाँ परंपरा है, उसी परंपरा को निभाते हुए शास्त्री जी के पास आए हैं। चुनाव लड़ना है तो नामांकन का तिथि भी तो जान लीजिए। क्या नाम है? महेंद्र कुमार झा। देखिए, हम लोगों का सनातन संस्कृति जो है ये आस्था का प्रतीक है। हम लोग कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले अपने आराध्य का नाम लेकर के करते हैं, और समय जो है एक ही समय में राम राम सत्य है सबको यही गत्य है, शुद्ध चीज है, अर्थ भी इसका सही है, लेकिन इस चीज़ को हम किसी की शादी विवाह उपनयन के समय में हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये बात है कि क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए। ऐसा भी बात है कि सभी आदमी शुभ मुहूर्त में काम करते हैं तो सब आदमी को तो मान लीजिए चुनाव में फल की प्राप्ति नहीं होता है, लेकिन हम अगर अच्छे समय में चुनाव अच्छे समय में अच्छे मुहूर्त में अच्छे नक्षत्र में अच्छे योग में अगर हम नामांकन करते हैं तो उसका परिणाम भाग्य हमको नहीं बदल सकता है, योग हमारा भाग्य का नहीं बदल सकता है, लेकिन योग हमारे काम को हमारी कठिनाइयों को आसान कर देता है। इसलिए हमारे सनातन संस्कृति में जो कोई भी हम शुभ काम करते हैं तो हम जो है उसके लिए योग बना हुआ है। दिन तिथि च नक्षत्र योग करण में बचा जस्मिन नेतानी सर्वानी तत्पंचांगम कच्छते। हम कोई भी काम को करते हैं तो अच्छे दिन अच्छे शुभ अच्छे नक्षत्र अच्छे ग्रह योग में हम उस काम को करते हैं ताकि हमको निर्विघ्नता पूर्वक उस कार्य की समाप्ति हो जाए। अब जहाँ तक पितर पक्ष की बात है तो पितर भी हमारे आराध्य हैं। हमारे सनातन संस्कृति में कोई भी काम होता है तो देवताओं का भी पूजन होता है, पितर का भी पूजन होता है, चाहे उपनयन हो विवाह हो कोई भी काम हो तो उसमें ऊपर देवलोक शुभ है और पितर लोग शुभ है, कोई भी काम हम पितर पक्ष में। अब यहाँ बात ये आता है कि पितर पक्ष में ही ये जो संवैधानिक दायरा है जो चुनाव आयोग का जो निर्धारित रूल रेगुलेशन है वह पितर पक्ष में ही है, तो हमको पितर पक्ष जो ये 15 दिन का जो कार्य समय है इसी में जो अच्छे से अच्छे मुहूर्त है हम उच्च मुहूर्त को निकाल करके, चूंकि हमारे ज्योतिष के स्तर पे हमारे पास पक्ष भी आते हैं विपक्ष भी आते हैं सब लोग के आते हैं, लेकिन एक आचार्य एक गुरु एक पंडित एक देवताओं ये किसी खास के नहीं होते हैं, ये सभी के होते हैं, और हम सबों के लिए जो है अपना प्रयास करते हैं कि उनके अच्छे से अच्छे शुभ मुहूर्त का चयन करते हैं
और विशेष फल देने वाले तो ईश्वर हैं और उनका अपना कर्म है। जी मेरा नाम डॉक्टर रामकन्हैया शास्त्री। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्टेट बस के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।